राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 ने 3 वर्ष पूर्ण थता तेनी उजवणीना भाग रूपे पोरबंदर खाते प्रेस कॉन्फरन्सनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। HRD मिनिस्ट्री तथा PIB द्वारा पोरबंदरना केन्द्रीय विद्यालय खाते पत्रकार परिषदनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ पत्रकार परिषदमां केन्द्रीय विद्यालय जूनागढ़ तथा नवोदय विद्यालय पोरबंदरना प्रिंसिपाल उपस्थित रह्या हता अने तेओए राष्ट्रीय शिक्षण नीति अंगे विगतवार जानकारी आपी हती। शिक्षण नीति अंतर्गत हाल में जे रीते सरकार द्वारा PM स्कूल फॉर राइजिंग तथा विद्या प्रवेश सहित मुद्दाओं पर विस्तृत जानकारी साथ विचारों की आप ले करवामां आवी हती। तेओए जणाव्युं हतुं के भारत ने विकसित देश बनावा नवी शिक्षण नीति खूब उपयोगी साबित थशे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में नई शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षा 1 में विद्या प्रवेश कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें पहले 3 महीने में बालक खेल खेल में सीखेगा और खेल से सीखने से उसके मानस पटल पे जो स्मृति अंकित होगी वो उसके जीवन पर्यंत बनी रहेगी। साथ ही ये कई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM श्री विद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के विभिन्न विद्यालयों का चयन किया गया। इन्हें उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। इनसे निकलने वाला छात्र हमारे भारत के लिए एक एसेट का काम करेगा और हमारा देश विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत बनाने का जो सपना है, मुझे उम्मीद है कि इस नई शिक्षा नीति से ही वो प्राप्त किया जा सकता है। अभी वर्तमान में आज़ादी का अमृतकाल हमारा देश मना रहा है और इस शिक्षा नीति के साथ साथ 2047 तक मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा देश एक समर्थ और श्रेष्ठ भारत बन सकेगा। जैसा सबको पता है कि 2020 से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है और जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में सबसे पहले इस पॉलिसी को लागू किया गया और उसके तहत बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना, उनके कौशल अर्थात स्किल डेवलप करना, ये उनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे छोटे से छोटे काम अपने खुद करें, अपने निर्णय खुद लें, ताकि आने वाले समय में हम कहते हैं कि बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शिक्षा उनको इस तरह दी जा रही है कि सिर्फ वो मार्कशीट पर अच्छे अंक लेकर आएँ, लेकिन उनमें नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता विकसित नहीं होती। लेकिन यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से ईमानदारी से हम लागू कर पाएँ तो यह भारत को वापस विश्व गुरु के पद पर ले जाने में, चूँकि हम विश्व के सबसे युवा जनसंख्या वाले देश हैं, हमारे बच्चों में, विद्यार्थियों में बहुत ऊर्जा है और यदि इन कौशलों का विकास हम विद्यालय स्तर पर ही करें तो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा मिलेगी और आने वाले समय में वो देश का ही नहीं समस्त विश्व का नेतृत्व करेंगे। और इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालना हम कर रहे हैं और इस माध्यम से बच्चों में संपूर्ण क्षमताओं का विकास हम कर पाएंगे।